अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल काकुल ट्रेनिंग कैंप। वी ऑल नो दैट कि भाई वो लोगो है पाकिस्तान के 29 प्लेयर्स उसमें शिरकत कर रहे हैं एंड काफ़ी रफ एंड टफ ट्रेनिंग है। वी ऑल नो दैट एंड मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी है कि प्लेयर्स कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा खैर वो इंजॉय भी कर रहे हैं। वेदर इज़ सो माइंड ब्लोइंग आउट है। आज तो खैर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली है कि इट वॉज रेनिंग, बट है कि आज काफ़ी ज़्यादा है कि बर्फ़ भी गिरी, ओले वगैरह भी खैर गिरे थे। सो वेदर इज़ सो प्लेजेंट आउट देयर एंड प्लेयर्स आर एंजॉइंग देयर सेल्व्स आउट देयर। एंड इसके अलावा खैर जो कैप्टेंसी इशू चल रहा है, वी ऑल नो दैट कि भाई अब ख़बरें हैं कि सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं वो काकुल रवाना हो गए हैं, पहुंच चुके हैं बाबर आजम को कन्विंस करने के लिए कि भाई आप T20I की कैप्टेंसी एक्सेप्ट कर लें। एंड खैर बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बहुत से लोग मीन्स है कि ESPN क्रिकेट प्रो ने भी कहा था कि बाबर आजम ने कुछ शराइत रखी हैं जिनमें से एक शर्त ये भी है कि वो तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी चाहते हैं एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप भी उन्हें रिमूव नहीं किया जाए एज कैप्टन रिगार्डलेस ऑफ जिस तरह के भी आपको आउटकम्स मिलते हैं। एंड उन्होंने कहा है कि हम मुझे रिटर्न में ये चीज़ दी जाए। सो मतलब जो बाबर आजम के वालिद ने भी कुछ पोस्ट की थी एंड उनकी आदत है नॉर्मली इस तरह के, या तो कोई है कि नॉर्मल इस तरह के पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं जो एक चीज़ या जो एक मैसेज होता है वो सही तरीके से कन्वे कर देते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। सो इट शोज़ कि भाई बाबर आजम ने कोई शराइत नहीं रखी हैं एंड जो भी ये सब चीज़ें हैं वो फ़र्ज़ी हैं या किसी की बनाई हुई हैं। मीन्स बाबर आजम ने कैप्टनसी एक्सेप्ट करने के लिए कोई शराइत नहीं रखी है। ही वॉज मेन मतलब उनका ये मतलब था जो उनके वालिद साहब का की जो पोस्ट थी उसका। बट डोंट नो एग्जैक्टली जब तक है कि अगदा नहीं खुलता है, जब तक कि इसका कॉन्क्लूजन नहीं निकलता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बिकॉज रोज़ हर तरीके की हर तरह की अलग अलग खबरें आ रही हैं। बाय द वे बाबर आजम इज़ ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहे हैं। बाबर आजम हैशटैग बाबर आजम भी ट्रेंड कर रहा है एंड हैशटैग फुल सपोर्ट बाबर आजम वो भी ट्रेंड कर रहा है। सो वही बात है कि बाबर आजम जो डिसीजन लेंगे, तमाम जो उनके फ़ैन्स हैं या जो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही खैर उनके फ़ैन्स हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा उनके फ़ैन्स हैं, तो वो सब उनको सपोर्ट करेंगे नो मैटर वो किस तरह का भी डिसीजन लेते हैं। बस हमारे तो खैर यही उम्मीद है, यही दुआ है अल्लाह ताला से कि जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो अल्लाह ताला वही करें। एंड खैर इसके अलावा जो बहुत से लोग शाहीन के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि भाई उसके साथ गलत हो रहा, तो डेफ़िनेटली हमने भी कल बात की थी कि बहुत ज़्यादा उनके साथ भी गलत हो रहा है। मतलब उसका क्या कसूर था, मतलब देखा जाए तो उसको शायद आफरीदी ने कैप्टनसी का है कि उसको दिलवाई और अब है कि कुछ बेचारा वो उसने कुछ इतना किया भी नहीं एंड है कि इतना ज़्यादा लीड भी नहीं किया पाकिस्तान को, जस्ट 4-5 कुछ मैचेस उसने लीड किए हैं पाकिस्तान को एंड इसके बाद अब उससे कैप्टनसी ले रहे हो। सो एंड है कि काकुल में जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान पहुंचे थे उन्होंने भी है कि शाहीन से यही कहा कि भाई हम आपको रिमूव कर रहे हैं। सो यास के भाई मेरी गलती क्या है, किस बेस पर मुझे रिमूव कर रहे हो, और इस सवाल का कोई जवाब सेलेक्टर्स के पास मौजूद नहीं था। सो वही बात है कि हमारे यहाँ तो इसी तरह के केस होता है एंड दैट्स व्हाई आई लिटरली डोंट वांट के बाबर दोबारा है कि कैप्टनसी एक्सेप्ट करें, बट वही बात है इन द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो बस वही करें। एंड फिर इसके अलावा और भी ये जो सारा इशू चल रहा है कैप्टनसी का इशू चल रहा है, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फुल मज़े में हैं वहाँ पे भाई। दे आर इन्जॉइंग देयर सेल्फ, दे आर प्लेइंग है कि कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी स्नूकर खेल रहे हैं एंड फुल ऑन मस्ती में हैं। कल भी खैर बाबर ने, इफ्तिखार अहमद ने एंड नसीम शाह ने इंस्टा स्टोरी शेयर की थी कि एक अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। आज भी खैर स्नूकर खेलते हुए बहुत से प्लेयर्स की वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं एंड भी खैर और भी वीडियोस वायरल हुई हैं। एंड स्नोकर में तो बाय द वे देयर वाज शाहीन, देयर वाज बाबर, देयर वाज आजम खान एंड इमाद सिंह भी थे, आमिर भी थे। सो इट वाज रियली होलसम मोमेंट एज अ क्रिकेट फैन के भाई इस तरीके से अगर प्यार मोहब्बत से मिलजुल के अगर रहें और अगर खेलें तो मतलब कितना ही अच्छा हो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। स्पेशली ये इमाद एंड मोहम्मद आमिर साहब थोड़ा सा है कि अपने आप को बेहतर कर लें तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, खुद उनके लिए भी एंड पाकिस्तान के हक में भी। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप किस हवाले से क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और खैर इसके अलावा काकुल में जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनके हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं कि भाई उनके मोबाइल फ़ोन चेक किए जा रहे हैं कि वो कोई न्यूज़ लीक ना करें या कोई ख़बर यहाँ की लीक ना करें।
तो भाई सबसे पहले खबर तो आपके पीसीबी ने ही लीक की थी कि भाई आजम खान 2 किलोमीटर नहीं कर सका, ये नहीं हो सका, इसने इतने मिनट में किया, उसने उतने मिनट में किया, तो वट इज़ द रीज़न भाई आप क्यों लीक कर रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई ये तमाम मालूम लीक नहीं होनी चाहिए, कोई अगर आगे आया है तो आप उसका नाम ले सकते हो, लेकिन कोई अगर नहीं कर सका, जैसे आज़म खान के हवाले से बहुत सी खबरें थी, नहीं कर सका, नहीं कर सका, फिटनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस डैट ब्ला ब्ला चल रहा था, सो इट शुड नॉट बी। अगर आपको कोई एक अच्छा जा रहा है तो आप बता सकते हो कि हाँ फला बंदे ने अच्छा किया, लेकिन कोई अगर नहीं कर सका तो आई डोंट थिंक कि उसका नाम शो ऑफ करना चाहिए आपको मीडिया में। तो ये थोड़ा सा अगर हमारी पीसीबी भी सीख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लेयर्स तो खैर इतना ज़्यादा नहीं कुछ लीक करते, और अब तो और आपने स्ट्रिक्टनेस कर दी है तो डेफिनेटली लीक नहीं करेंगे। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे इमरान नज़ीर साहब हैं वो भी चाहते हैं कि भाई वो भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें। रिटायरमेंट खैर उन्होंने ली नहीं थी कभी, वो चाहते हैं कि वो भी क्रिकेट की तरफ रुख अपना दोबारा करें। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं की, मे बी वो रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट या इस तरह की कोई बात कर रहे हों, बट की बात है खैर इमरान खान नज़ीर नो डाउट वॉज अ ग्रेट प्लेयर। सो मेरे ख्याल से खैर पाकिस्तान की टीम में हमें जैसे हमने आमिर और इमाद को तो बुला लिया, अब है कि हम इमरान नज़ीर को भी बुला लेते हैं, और फिर मेरे ख्याल से हम मोहम्मद यूसुफ से भी कहते हैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, इंजमाम से भी कहते हैं, बिकॉज़ बैटिंग में तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों ना जावेद मियांदाद से भी कहा जाए कि भाई अपनी कि आप रिटायरमेंट जरा वापस ले लें तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आई मीन वॉट इज़ दिस मैन, आई मीन आमिर इमाद तक भी है कि चलो हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब इसके बाद अब ये इमरान नज़ीर साहब चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, तो फिर कोई बात है कि पीसीबी ने खैर इस बात को ज़्यादा है कि फ़्रोग दिया है, उनसे मिन्नतें तरले करके आमिर इमाद को आप वापस लेके आए, सो मतलब एक अच्छी चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के हक, बट स्टिल जब एक बंदे ने रिटायरमेंट ले ली तो इतना ज़्यादा आपको मिन्नतें करने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड पीसीबी है कि हैज़ इटसेल्फ मेड है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया है, सो इट शुड नॉट बी। एंड इमरान नज़ीर साहब अब वो वापस आना चाहते हैं, तो और भी खैर उमर अकमल साहब भी खैर डेफिनेटली वापस आना चाहेंगे, सो वही बात है कि अब ये नए लड़कों को बिठा देते हैं और तमाम पुरानों को खिला देते हैं ताकि हम है कि अच्छी परफॉर्मेंसेज दे सकें। सो खैर दैट वॉज इट फ्राम दिस वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।